माहौल दिन ब दिन खराब हुआ है और माहौल खराब होने का सबसे बड़ा कारण है पोस्टें खाली पड़ी हैं, काम बहुत है, करने वाले लगातार कम हो रहे हैं, नई भर्तियां बिल्कुल बंद है, करीब करीब बंद है और लोड कितना बढ़ गया है। पहले जो नंबर ऑफ अकाउंट्स होते थे उससे कई गुने ज्यादा हो गए। जनसंख्या का जैसा ग्रोथ है वैसे ही अकाउंट खुलने का ग्रोथ बढ़ रहा है। अब उनको अकाउंट तो खुलवा लिया, किसी ने 50 रुपए में, किसी ने 100 रुपए में, अब उसको सहेज के रखना उसी में सिर दर्द है उनका। ज्यादातर भारत की बैंकों के छोटे छोटे अकाउंट जो है ना वो काम के नहीं है, लेकिन देश को सर्विस देनी है इसलिए खोल रखे हैं, क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि वो ज्यादा मुस्करा नहीं सके या ज्यादा तकलीफ में हमारा साथ न दे सके, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जितना काम कर रहे हैं जितनी कम सैलरी पर, वो काम दुनिया में कोई बैंकिंग सिस्टम में करने को तैयार नहीं होता। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में या आईसीआईसी बैंक में मैंने देखा है जिस पोस्ट पर हिंदुस्तानी बैंकों में लोग काम करते हैं ना उससे तीन गुनी सैलरी पर वहां काम हो रहा है सेम। और यंग एज के लड़के लड़कियों को इतनी ज्यादा सैलरी देकर वो काम पर ले रहे हैं और वहां 12 घंटे रगड़ते हैं, 14 घंटे रगड़ते हैं। अब इनको सैलरी भी कम है और रगड़ाई इनकी उतनी ही हो रही है। धीरे धीरे भारत की बैंकों में भी काम के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं, सवेरे 9-10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक तो सामान्य रूप से। मैंने कई गांव में देखा है अब भारत की बैंकें शाम को भी काम कर रही हैं क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिशन में दौड़ना है विदेशी बैंकों के साथ, तो लोड और बढ़ रहा है उनके ऊपर। तो उनके अंदर की जो तकलीफें परेशानियां ग्लोबलाइजेशन से पैदा हुई हैं पिछले 8-10 वर्षों में उसका कोई समाधान हुआ नहीं है। उनका भी शरीर है, मशीन तो नहीं है, मानव है, मानव की एक लिमिट होती है काम करने की, मैक्सिमम लिमिट होती है। आप उससे ज्यादा उससे काम कराओ तो टूटने वाला है, अंदर से बिखरने वाला है। तो ज्यादातर बैंक अधिकारी आपको चिड़चिड़े मिलेंगे, बैंक के क्लर्क तो और भी ज्यादा चिड़चिड़े। ऐसे कंडीशन में भी अगर मुस्कराते हुए वो मिले तो आप समझना धन्य भाग आपके, इतने खराब माहौल में जहां वो काम कर रहे हैं। और सरकार का ऊपर से तलवार लटका हुआ है उनके ऊपर, ग्लोबलाइजेशन का माने रिट्रेंचमेंट करो, भर्ती कम करो, पोस्ट कम करो, ये कम करो, ये कम करो, ये कम, और वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दो, ये सब धंधा चलता रहा है हमारे देश में। और जितने लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया है वहां कोई नई भर्ती हो नहीं रही है, पहले से भी भर्तियां बंद हैं। तो ये कंडीशंस हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि हमारी बैंकों में कहीं कोई कमी है तो वो ठीक की जा सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी बैंकों के लिए सब खोल दें हम तो इससे ठीक होने वाला है। ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे घर का लड़का बिगड़ा हुआ है तो पड़ोसी के लड़के को गोद ले लो वो सुधार देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अपने यहां कहीं सिस्टम में कोई खामी है, खरामी है, उसको ठीक करें हम। तो सर्विसेज के सेक्टर में अगर विदेशी आते हैं बहुत तकलीफ की स्थिति है। हमारी सेविंग्स उनके हाथ में जाती है, वो फ्रॉड करते हैं, लूटमार करते हैं, उसको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रॉड हुए हैं, सबसे ज्यादा, और किसी भी इकोनॉमिक फ्रॉड में आज तक कोई सजा नहीं हुई है, चाहे वो हर्षद मेहता हो, चाहे हितेन दलाल हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी को सजा नहीं हुई। हर्षद मेहता अपनी मौत मर गया वो अलग बात है, हार्ट अटैक से, सजा कुछ भी नहीं। भारत के आर्थिक कानून इतने रद्दी हैं कि कोई सजा होने की व्यवस्था नहीं। और ऊपर के टॉप लीडर्स घोटाले करते हैं, गलतियां करते हैं, भुगतान बेचारा नीचे वाला कर। यूटीआई का सारा घोटाला नेताओं का किया धरा था, मारे गए साधारण लोग, और उन नेताओं को कोई सजा नहीं है जिन्होंने यूटीआई घोटाला किया। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मामला सब नेताओं द्वारा खड़ा किया हुआ है, बैंकों से कर्ज दिलवा दिया अपने अपने प्रभाव के लोगों को, अपनी अपनी पार्टी के लोगों को, अब वो कर्ज वापस नहीं दें और बैंक वाले उनसे अधिकार मांगे रेट मारने का, तो अधिकार देने में 10 साल लगा दिया, 10-12 साल, अभी जाके कानून बनाया कि आप रेट कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं। ये पहले ही होना चाहिए था, 91 में होना चाहिए, तो ये एनपीए इतना बढ़ता नहीं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो हम हमारे देश की परिस्थिति को ध्यान में रखकर समस्याओं का विश्लेषण करें, समाधान उसमें से निकालें, ना कि विदेशों को हम ध्यान में रखकर अपनी समस्याओं का विश्लेषण करें और समाधान। हिंदुस्तान के बैंकिंग और बीमा सेक्टर को खत्म कर देंगे अगर ये विदेशी बैंकों को सारी खुली छूट मिल गई तो।
अभी बहुत तकलीफ की स्थिति है। WTO की कंडीशन को सरकार ने लागू करते हुए विदेशी बैंकों को खुली छूट दे दिया है कि भारत की किसी भी बैंक को आप टेक ओवर कर सकते हो, किसी भी बैंक को वो टेक ओवर। अब उनके पास पैसे की ताकत है, वो एक एक करके आपकी बैंकों को टेक ओवर करना शुरू कर दें, धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। WTO की एक एक कंडीशन खराब 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 दिशा में जा रहे। तो अब प्रश्न क्या है कि क्या करें हम सब लोग? तो मुझे ऐसा लगता है कि WTO के सर्विस सेक्टर पर जिन लोगों के ऊपर मार पड़ने वाली है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले ये दो जगह मार होने वाले। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में ये जो वकालत का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम है, एजुकेशन का काम है, इस पे मार आने वाली है 2-3 साल के अंदर। तो इन सब लोगों को हम क्यों नहीं इकट्ठा करें, क्योंकि वो एक ही जगह पीड़ित हो रहे हैं सबके सब। बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले भी WTO से परेशान है, एजुकेशन वाले भी होंगे, फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले बहुत परेशान होना शुरू हो गया है। विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म आ गई है, उन्होंने धंधे शुरू कर दिए हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कल तक जो हमारे देश के इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे वो अब विदेशी फर्मों के गुलाम हो गए हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं उनके, और उनकी मदद से सारा बिजनेस उन्होंने खींच लिया। जैसे हिंदुस्तान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल से काम कर रहा है, उसका अपना क्लाइंटेल है, विदेशी कंपनी ने उसको ले लिया पगार पे और उसके सारे के सारे क्लाइंट उनके पास आ गए। ऐसे ही वकालत में होने वाला, ऐसे ही मेडिसिन में, और ऐसे ही जो हॉस्पिटलाइजेशन में, फिर होटल में वगैरह वगैरह। तो इन सभी सेक्टर के लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और उनको ये बताया जा सकता है कि WTO की इन कंडीशंस के खिलाफ सरकार के ऊपर दबाव बनाए। अभी क्या होता है, अभी सर्विस सेक्टर वाले अपनी लड़ाई लड़ते तो हैं, जनता साथ में नहीं आती उनके। बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं, लोग साथ में नहीं आते, लोग गाली और देते हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं वो क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक। और मुश्किल क्या हो रही है, बैंक वाले भी उनको समझाने कभी नहीं जाते कि हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो गलती हो रही है इस देश में वो WTO के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक, IMF की नीतियों के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। आम आदमी भी उससे प्रभावित है लेकिन वो जाते नहीं बताने के लिए कि हम इस कारण से कर रहे हैं। और अखबार वाले कभी पूरी बात छापते नहीं क्योंकि अखबार वालों को जितना स्पेस है उतने में ही छापते, तो कम्युनिकेशन गैप है। जनता को अगर ये बता के कि भैया हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें हमको तकलीफ है, तुमको हमसे भी ज्यादा तकलीफ, इन कारणों से कर रहे हैं। WTO की ये शर्तें हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक का ये प्रेशर है, प्राइवेटाइजेशन इस तरह से हो रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम हैं, ये सब बता के करें तो जनता भी साथ में आए, और जनता साथ में आए तो सरकार बौखलाए। अकेले आप अगर ये कोशिश करें कि हम बैंकिंग वाले हैं अकेले लड़ लेंगे, संभव नहीं। बीमा वाले भी अकेले नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी जो ट्रेड यूनियंस है ना, उनकी ताकत बहुत कम हो गई। ट्रेड यूनियंस ने पिछले 50 साल में इतने समझौते किए हैं सरकारों से कि उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई। इसलिए जनता को साथ में लेकर अगर करेंगे तो शायद इसमें से रास्ते निकले, क्योंकि सरकार को अभी डर है तो एक ही चीज का, जनता का, कि वोट बैंक गया, जनता माने वोट बैंक, वोट परसेंटेज कम हुआ अगर हम ये करें ये करें ये करें, ये सारे इश्यूज जनता के साथ लेके और दूसरे संगठनों को मिलाकर एक साथ पूरे देश में किया जाए। जैसे ये वैट में हुआ ना, जनता भी साथ में है, व्यापारी भी साथ में है, उद्योगपति भी साथ, देखो परिणाम है पूरे देश में, 12 राज्य नहीं लागू कर रहे। ऐसे ही WTO का बैंकिंग और बीमा पे जो असर है, एजुकेशन पे जो असर है, दूसरे क्षेत्रों में जो असर, वो सब एक साथ मिलकर जनता के साथ अगर सामने आए सरकार के खिलाफ, तो उम्मीद है कि इसमें से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। अकेले अकेले अगर हम करें नहीं निकलेगा। अब इसमें हो क्या सकता है कि भारत के बारे में, भारत की बैंकों के बारे में, बीमा कंपनियों के बारे में, भारत के पब्लिक सेक्टर के बारे में एक ऐसा पत्रक, CD मटेरियल तैयार किया जाए जो सरल भाषा में हो, आम सामने वाले को समझा सके। क्योंकि अक्सर ये जो आपने अभी देखा, आपने कहा हमको मालूम ही नहीं है, आपको बहुत सारी मालतें मालूम है नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है पिछले 50 साल में इस देश, आपको नहीं मालूम, और सरकार ने हमें कभी बताया नहीं। सरकार बस एक ही बात बता रही है, पब्लिक सेक्टर सफेद हाथी हो गए हैं, ये पैसे को खा ज्यादा रहे हैं, निकाल कम रहे हैं। इस पब्लिक सेक्टर ने 50 साल में देश को खड़ा किया है,
जब प्राइवेट सेक्टर एक भी काम करने को तैयार नहीं था, तब पब्लिक सेक्टर के पैसे से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है जिसको आज लूटने के लिए विदेशी आने को तैयार है। और एक एक सेक्टर पर अगर एक छोटी छोटी बुक बनाई जाए ना, BHEL ने क्या किया, NTPC ने क्या किया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय ने शुरू किया था इंपीरियल बैंक को टक्कर देने के लिए। इंपीरियल बैंक होता था अंग्रेजों का, तो सब भारतवासी अपने बैंक अकाउंट उसमें जमा करते थे। तो लाला लाजपत राय ने कहा स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं 1905 में, उस स्वदेशी आंदोलन के गर्भ में से निकला पंजाब नेशनल बैंक, और सारे क्रांतिकारियों के बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में जमा होते थे क्योंकि अंग्रेज इन क्रांतिकारियों का बैंक अकाउंट स्वीकार नहीं करते थे। लाला लाजपत राय का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, भगत सिंह का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, चंद्रशेखर आजाद का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था। चंद्रशेखर आजाद की जो संस्था थी ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था क्योंकि अंग्रेजी बैंक इनको स्वीकार नहीं करता था। तो अंग्रेजी बैंक को टक्कर देने के लिए और भारत के क्रांतिकारियों को जरूरत पड़े तो मदद देने के लिए लाला लाजपत राय ने शुरू कराया पंजाब नेशनल बैंक। अगर ये कहानी हिंदुस्तान के घर घर में जाए तो कोई भी गर्व से कहेगा कि मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है जिसमें भगत सिंह का खाता था, मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है जिसमें लाला लाजपत राय का खाता था, मेरा खाता एक ऐसी बैंक में है जो भारत की आजादी के आंदोलन में मदद करने वाला बैंक रहा पंजाब नेशनल बैंक। और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने फंड इकट्ठे कर करके ये भगत सिंह उधम सिंह को दिए थे बम बनाने के लिए, पिस्तौल तमंचे चलाने के लिए, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसी बातें, साधारण बातों से लेकर विशेष बातें जो कुछ हुई हैं पिछले 10-12 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो हम लोगों के सामने लाएं। अभी क्या होता है, एक साइडेड पिक्चर पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर हरामखोर हैं, सफेद हाथी हैं, ये बर्बाद हो रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये इसलिए कि इनको खत्म करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। तो इस तरह का दुष्प्रचार हो जाए, लोग स्वीकार कर लें कि हाँ हाँ, और एक झूठ को बार 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 बोलो, थोड़े दिन में सच लगने लगता है। आप रोज बोलो सफेद आती है तो जनता मान ही लेगी कि हाँ है, तो फिर जिस दिन बंद होगा जनता को कोई दुख नहीं होगा और ये बेचारे अकेले मर जाएंगे क्योंकि ये विरोध नहीं कर पाएंगे, अकेले उतनी दम नहीं। तो मेरा ऐसे मन में आता है कि हिंदुस्तान के साधारण लोगों को एजुकेट करने के लिए कम से कम पब्लिक सेक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें, साधारण बातें पहुंचाई जाएं लोगों के पास। जैसे आज हिंदुस्तान में 76,000 मेगावाट बिजली बन रही है, आजादी मिली थी तो मुश्किल से 6,000 मेगावाट बिजली बनती थी, वो भी मुश्किल से। तो ये 76,000 मेगावाट बिजली किसने दिया इस देश को बनाकर? अमेरिका की कंपनी ने, इंग्लैंड की कंपनी ने, भारत की कंपनी ने, NTPC या स्टेट की जो पावर कंपनियां हैं राज्यों की, उन्होंने दिया। और 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 2-3 साल में आ जाएगा वहां तक, वो भी उन्होंने दिया। एनरॉन एक विदेशी कंपनी आया था, 1 मेगावाट अभी तक हिंदुस्तान को नहीं दे पाया, इतने साल से तमाशा चल रहा। लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हिंदुस्तान के 3,00,000 गांव में पीने के पानी की जो व्यवस्था आज तक हो पाई है, आप जानते हैं इसमें फंड्स किसके इस्तेमाल हुए हैं? LIC के, GIC के। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था में LIC GIC के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, सरकार के पैसों से नहीं है, माने सरकार के बजट के खर्चे में से नहीं आया। ऐसे ही इतनी 14,000 किलोमीटर सड़कें हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के भारत सरकार को दिए गए मुनाफे में से 14,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है। रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क बना है जो दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये कहां से खड़ा हुआ है? कोई विदेशी कंपनी ने नहीं खड़ा किया, हिंदुस्तानी रेलवे ने खड़ा किया। और आज उस रेलवे को गाली देके इस स्थिति में ला दिया है कि वो डिफेंसिव हो जाए, और डिफेंसिव होते चले जा रहे हैं बेचारे, और छट्टी होती जा रही है, विद्रोह नहीं हो रहा पूरे देश में। तो ये बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने, रेलवे ने, हमारे NTPC ने, हमारे तमाम दूसरे सेक्टर ने जो कुछ समाज के लिए किया है, इस पर अगर एक एक दो दो पन्ने का भी मटेरियल सेक्टर वाइज तैयार करें
छोटी बुकलेट बने, सरल भाषा में बने, गुजराती मराठी तमिल तेलुगु में बने, स्लाइड्स बने, गांव गांव जाकर उनको दिखाया जाए, तो ये बिल्कुल उलट जाएगा। जनता कहेगी अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं था। जब मालूम होने लगेगा तो जनता को समझ में आएगा कि हरामखोर ये नेता है जो लगे हैं कौड़ी के भाव में पूरे देश की संपत्ति को बेचने के लिए। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये क्या करने जा रहा है मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, और WTO की कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके पास 6000 एकड़ जमीन है, किसी एयरपोर्ट के पास नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब में जिद्दाह में, उनके पास भी इतनी जमीन नहीं, सिंगापुर के पास नहीं, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं, 6000 एकड़ जमीन है उनके पास, और उस पूरे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 1400 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं फ्रांस की एक कंपनी को। जबकि जिस स्थान पर यह दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां एक एकड़ जमीन की कीमत इस समय 20 करोड़ रुपए है, एक एकड़ जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए जहां पर यह एयरपोर्ट है गुड़गांव दिल्ली के बीच में, 6000 एकड़ जमीन है कितने का हो गया 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 1400 करोड़ में, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर यह हो रहा है। और इसका माहौल कैसे बनाया है, दो साल से दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है पूरे देश में हमारे ही मंत्रियों के द्वारा। यहां के कर्मचारी निकम्मे हैं, ये इनएफिशिएंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये तकलीफ है वो तकलीफ। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सभा संबोधित करने गया तो मैंने वहां के जनरल मैनेजर को कहा मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाओ। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हैं, मैंने कहा आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है ये मुझे देखना है। कहने लगे क्यों, मैंने कहा इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है। मैं ले गया, वो मुझे ले गए देखने के लिए। वो मैंने जो देखा और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन करना शुरू किया और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मैं दंग रह गया। दुनिया में इतना बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर फ्रांस में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं। उस अकेले टावर को अगर बेचे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 600 करोड़ मिलता है और 1400 करोड़ में पूरा एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। अब जनता को मालूम नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट की विशेषता यह है इनके पास 6000 एकड़ जमीन है। कल को समझौता हो जाएगा, अखबार में खबर आएगी दिल्ली एयरपोर्ट फ्रांस की कंपनी ने खरीद लिया। और कर्मचारी बेचारे मुंह बंद करके बैठे हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ बोले कैसे, उनसे पगार पाते सैलरी पाते। और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अगर ये 6000 एकड़ जमीन इसमें इस्तेमाल कितनी हो रही है, तो उन्होंने कहा मुश्किल से इसमें 50-60 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है रनवे में और ये सब वगैरह, बाकी खाली पड़ी है। मैंने कहा इसमें खेती करना चालू कर दो तो साल का कम से कम 50-60 करोड़ का तो प्रोडक्शन यहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजीव भाई खेती तो छोड़ो, हम यहां गोल्फ क्लब बना दें और उसमें एंट्री फीस रख दें तो साल का 1400 करोड़ तो हम इसी से कमा के दे सकते हैं सरकार को, गोल्फ कोर्स बना के। क्योंकि जितनी विदेशी फ्लाइट आती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट रात को अक्सर आती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन वो लोग ठहरते हैं फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के वो गोल्फ खेलेंगे, फीस लगा दो, साल का 1400-1500 करोड़ उसी से आ सकता है। पूरा एयरपोर्ट इतने में बेच रहे हैं 1400 करोड़, और बिना किसी बिड के, माने कोई इंटरनेशनल टेंडर इन्वाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्रांस की कंपनी को सामने से बुला लिया। क्यों, समझौता हो गया सरकार का, कुछ लेन देन हुआ होगा उसमें। अब एक दिल्ली एयरपोर्ट बिकेगा, फिर बंबई बिकेगा, फिर सब बिकेगा। ऐसे सरकार की माने बेईमानी और हरामखोरी में देश की संपत्ति बिक रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन। अब जनता इसमें बगावत कर सकती है जब उसको पूरी बात मालूम। जब मुझे पता चला दिल्ली एयरपोर्ट की वास्तविकता, मैंने दिल्ली की 4-5 मीटिंगों में कह दिया, लोगों का खून उबल गया, जी कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे सरकार को। अगर यही बात पूरे देश में प्रचारित हो जाए तो जनता खड़ी हो जाएगी, तो जनता के सामने कोई सरकार नहीं टिक सकती। कर्मचारियों को तो वो झुका सकते हैं लेकिन जनता को नहीं झुका सकते। तो मेरा ये कहना है कि हम सब मिलकर भारत की जनता के पास ये सब मुद्दे लेके जाएं, सरल सरल भाषा में, कम शब्दों में, सरल सूत्रों में उनको ये जानकारियां दें कि भारत के पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, बैंक ने क्या किया, बीमा ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने, और WTO और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है। जब समझ बनेगी
तो बात आगे बढ़ेगी। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके बहुत हो सकते हैं। हम सीडी बनाएं, गांव गांव में दिखाएं, पत्रक बांटें, टेलीफोन ये लोकल अगर टीवी चैनल है उसके माध्यम से कहें, अखबारों में लिखें, और सबसे अच्छा जो भाई ने कहा कि रेडियो पे कहें, अपना कोई रेडियो स्टेशन हो तो शायद कहे, सरकार तो इसको कहने नहीं देगी, अपना कोई टीवी चैनल हो तो उस पर ये सब बातें, एक एक बात की पोल खोलें, सरकार जो कर रही है WTO में जो हो रहा है और वास्तविकता क्या है, तो देश बचने के लिए रास्ते खुलते हैं, लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए सरकार ये सब करती चली जा रही है। जैसे ही जानकारी होती है लोग तो सरकार को कुछ नहीं करने दे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवेरे उदाहरण दिया, हरियाणा के लोगों को जब तक मालूम नहीं था वैट क्या है वो चुप रहे, और चौटाला ने वैट लागू कर दिया, लागू होने के बाद जब तकलीफें आना शुरू हुई उन्हीं हरियाणा के लोगों ने चौटाला को कान पकड़ के नीचे उतार दिया। चौटाला के पास पहले 54 सीटें थी जब पिछली सरकार आई, अभी उसके पास 9 सीटें हैं, खुद हार गया बुरी तरह से। तो जनता को जब पता चला तो उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसे ही हर क्षेत्र में जनता को पता चले तो सरकार का सबक, सरकार को सबक जनता सिखा सके। तो ये समस्या है, उसका विश्लेषण और समाधान, हर समस्या का समाधान हम अपने ही तरीके से करें वही अच्छा है। अब इसमें एक बात वो अंत में आके खत्म होती है कि कौन करे इस काम को, हम सब करें, हम सब एक दूसरे के साथ मिलके करें। जैसे मेरे मन में आता है कि पब्लिक सेक्टर पर एक छोटा टेम्पलेट बनाएं, हम जाएं उनके पास, जानकारियां इकट्ठी करें, उस पर वो छापें, फिर कैसेट बनाएं, सीडी बनाएं, प्रचार करें, थोड़े दिन में उसका परिणाम निकलेगा। और फिर ये बैंक वाले बीमा वालों को और शिक्षा वालों को कहें कि भैया सब साथ में मिलकर करो, अलग अलग अब मत करो, आपको कुछ भी करना है पहले सबको बता के करो, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और खाली बैंक के ऑफिस के सामने खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से अच्छा है पूरे भिलाई शहर में घूम के लोगों को बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जनता आपके खिलाफ हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, और हम अपनी बात वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बीच में गैप खड़ा हो जाता है। तो पद्धति थोड़ी बदलें, हम लोगों के पास जाएं, लोग हमारे पास आने लगेंगे, बात बनती चली जाएगी और रास्ते उसमें से खुलते चले। इतना ही मुझे अभी कहना है। हाँ, ट्रिम्स में मैं बात कर सकता हूं लेकिन कल करूंगा, ये सर्विसेज तक रहे क्योंकि ट्रिम्स और इससे भी ज्यादा जटिल है। ट्रिम्स और ट्रिप्स में कल कोशिश करूंगा सवेरे लेने की, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, वो और भी खतरनाक है। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। इनडायरेक्टली कैसे आएंगे? ट्रिम्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए नियम कायदे कानून बनाना, जैसे आजकल सरकार कर रही है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना 74% इक्विटी पार्टिसिपेशन की छूट हो गई है। ट्रिम्स ये कहता है कि इसको 100% कर दो। ट्रिम्स का पहला ही प्रोविजन है कि कोई भी सेक्टर जो सर्विसेज में है उसमें 100% इक्विटी की छूट होनी चाहिए, कोई भी विदेशी को या विदेशी कंपनी को। तो बैंक बीमा कंपनी आएंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट के उस पर आएंगे। अभी सर्विसेज में जो सीधा है कि सीधे विदेशी आएंगे, उसमें ट्रिम्स भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा, दोनों एक साथ आएगा। ट्रिम्स से उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन का निर्धारण, प्रॉफिट ले जाने का निर्धारण, भारत में कहां पूंजी लगाएं कहां न लगाएं उसका निर्धारण, और सर्विसेज में जो सीधे आकर हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मुनाफा कमाकर ले जाने की खुली छूट, वो सर्विसेज में। ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट की वो है लिमिटेशंस, तो वो लिमिटेशंस को हटाने की बात है। ट्रिम्स कोई लिमिटेशन नहीं, 100% लाना चाहे खुली छूट दो, बैंक में, बीमा में, टेलीकम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, हर जगह। ट्रिम्स का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आया है बाहर से उसकी वैसी ही सुरक्षा करो जैसे आप रुपए की करते हो, नेशनल सिक्योरिटी। अमेरिका ने $1 भी भारत में लगा दिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की है, उसके लिए भारत की मिलिट्री लगाओ, आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, सुरक्षित चाहिए वो। ये ट्रिम्स में है सारे के सारे।
माने अमेरिका की कोई भी कंपनी यहां आ जाए उसके खिलाफ हम आंदोलन करें, फैक्ट्री को तोड़ दें फोड़ दें, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसका सारा भुगतान करे। ये ट्रिम्स में है। अभी क्या होता था कि अमेरिका की किसी कंपनी को हमने तोड़ फोड़ दिया तो अमरीकी कंपनी की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब WTO के बाद अगर हम तोड़फोड़ करें तो भारत सरकार को भुगतान करना पड़ेगा जो कुछ भी तोड़फोड़ हुई है। उसके लिए आप चाहो मिलिट्री लगाओ चाहो अपनी आर्मी लगाओ। हमें याद है एक बार हम लोगों ने कर्नाटक में नंजुन स्वामी नाम के एक किसान नेता थे, उनका एक संगठन कर्नाटक राज्य रैयत संघ, उनके साथ मिलकर एक अमेरिकन कंपनी का ऑफिस तोड़ा था। 92-93 की बात है। ये आपने सुना केंटकी फ्राइड चिकन एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने वहां बना दिया था अपना बहुत बड़ा ऑफिस, उसको तोड़ दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तोड़ दिया तो उस कंपनी का नुकसान हुआ और तब से वो कंपनी भाग गई। अभी उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने की। लेकिन आज अगर हम वही काम करें तो तकलीफ होने वाली है, हमें तो नहीं भारत सरकार, भारत सरकार को सब भुगतान करना पड़ेगा अगर एक कुर्सी भी टूट गई तो, क्योंकि उनका एक एक इन्वेस्टमेंट सरकार की जिम्मेदारी पर है। ये ट्रिम्स की शर्तें हैं। ट्रिम्स में सबसे ज्यादा खतरनाक दो ही शर्तें हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में 100% पूंजी निवेश की खुली छूट करो और उनकी लाई हुई एक एक डॉलर की सिक्योरिटी आप करो, माने भारत सरकार करे, उसमें चाहे अपनी आर्मी लगाओ, एयरफोर्स लगाओ, पुलिस लगाओ, पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, सिक्योरिटी आप करो, इन्वेस्टमेंट उनका, वो सिक्योरिटी नहीं करेंगे, सिक्योरिटी आपको करनी है, इंश्योरेंस कवर उनको दो, किसी भी तरह से सिक्योरिटी की गारंटी उनको दो। और अगर हम कुछ मार तोड़ करें तो शिकायत भारत सरकार को वहां सुननी पड़ेगी WTO में और भुगतान करने पड़ेंगे। आज हम आज की तारीख में पेप्सी कोला की एक बोतल भी तोड़ दें इस समय, वैसे हमने बहुत तोड़ी है, आज हम एक बोतल भी तोड़ दें तो उसका भुगतान भारत सरकार को करना पड़ेगा। ट्रिम्स की ये शर्तें हैं, 1 जनवरी से लागू हुई है। 1 जनवरी के पहले हम चाहे कुछ भी करें, पेप्सी के कारखाने में आग लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जिससे इंश्योरेंस कराया उससे बोलेंगे, लेकिन अभी हम एक बोतल भी तोड़ेंगे तो भारत सरकार भुगतान करे उसका, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की। तो ट्रिम्स में कल थोड़ा मैं ज्यादा बात करूंगा ट्रिप्स के साथ जोड़कर, अभी सर्विसेज का लिया है और सर्विस तक सीमित रखें क्योंकि इसमें वैसे तो बहुत छूट गया है, थोड़े ही सर्विसेज को मैं डील किया, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को किया, एजुकेशन को किया, टेलीकम्युनिकेशन को मैं बिल्कुल छोड़ दिया, रेलवे को बिल्कुल छोड़ दिया। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतनी तकलीफ आने वाली है, अभी भारत में क्या होता है जैसे BSNL है, ठीक है, आप हमारे देश की सिक्योरिटी से संबंधित सूचनाओं का इधर से उधर जाना BSNL के थ्रू है। कैसे होता है, जो बॉर्डर एरिया है पूरा भारत का, वहां पर मिलिट्री जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करती है वो सब BSNL के थ्रू होते हैं, माने BSNL की मदद से हमारी मिलिट्री सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। माने उरी सेक्टर में कोई मेजर है वो भारत के राष्ट्रपति से अगर बात करना चाहता है तो BSNL के थ्रू होता है, अभी रिजर्व है ये एरिया। WTO की कंडीशन सर्विसेज की ऐसी है कि BSNL के पैरेलल वहां एयरटेल भी अपना नेटवर्क बना सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते, और एयरटेल अगर वहां नेटवर्क बनाता है कल्पना करो, या अमेरिका की कंपनी है AT&T वो खड़ा करती है जम्मू कश्मीर में अपना नेटवर्क, तो वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज पकड़ी जाती हैं आजकल, तो हमारा कोई मेजर जनरल ब्रिगेडियर से बात कर रहा है वो सुन रहे हैं और पाकिस्तान को पास ऑन कर रहे हैं कि देखो ये बात हो रही है सुन लो और तुम्हारी एक्टिविटीज तय कर लो। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतना खतरनाक है, भारत का जितना बॉर्डर है ना सभी तकलीफ में है इस समय, हमारा कोई बॉर्डर शांत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट देखो पूरा जल रहा है, नॉर्थ देख लो पूरा जल रहा है, साउथ में तकलीफें शुरू हो गई हैं, खासकर ये केरल और उस तरफ तकलीफें शुरू हो गई, और आप वेस्ट देख लो जो पाकिस्तान बॉर्डर है राजस्थान और गुजरात का, भयंकर जमावड़ा लगा हुआ है वहां पर, तो बॉर्डर हमारे सब संवेदनशील है, तकलीफ में है। इन बॉर्डर एरिया में अगर कोई विदेशी कंपनी आके टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में घुस जाए तो तबाही मचा सकती, आपकी सारी गुप्त सूचनाएं, सारी
सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके हाथ लग गई वो कहीं से कहीं पास ऑन कर सकते। और ये सरकार ने 74% तक तो पार्टिसिपेशन की खुली छूट दे दी है, अभी वो 100% करने वाले हैं। ऐसे ही सर्विसेज में एक कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर